हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप कि अच्छे होंगे और जो अभी जो ये कोरोना का कोविड नाइन्टीन का जो अभी इतनी महामारी चल रही है उसमें अपना ध्यान रखें सो आज हमारा वॉकअप क्लास का सेकंड सेशन है ओके फर्स्ट सेशन हमारा पिछले संडे को हुआ था आज ये मेरा सेकंड सेशन है मैं विनित फ्रॉम वी सो ये जो वॉकअप क्लासेस मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं ये ऑलरेडी आपके ऐप आप पे और आपके बुक में दिया हुआ है और सर ने इसको प्रॉपर बहुत वे में आप लोगों को पढ़ा दिया है बट हम इसको क्या कर रहे हैं इसको रिवाइज करवा रहे हैं रिपीट करवाएंगे इसको आज के तो सो so, हमारा जो सेकेंड क्लास है इसमें हमारे जो वर्कअप क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला वर्ड वो है कोर्ट सीन तो पिछली बार जो हमने वर्कअप क्लास ली थी उसमें कोई इवेंट डाला था जैसे पिछली बार में क्या डाला था क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन उससे रिलेटेड वर्ड्स बताए थे फिर वो आर्टिकल 370 से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे उनको बताया था सो so, आज हमारा कोर्ट सीन है तो कोर्ट में फ्रेंड्स क्या होता है जैसे कोर्ट में हम जाते हैं सेशन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें दो ही चीज़ें होती हैं क्या होता है या तो आपको दोषी करार दिया जाता है या फिर निर्दोष घोषित कर दिया जाता है सो so, इससे रिलेटेड कौन-कौन से वर्ड्स कौन -कौन हैं आज हम उठा रहे हैं हमारे जो वोकब वीआईपीएम की जो वोकब क्लास की जो वोकब हमारी जो बुक है वोकैबुलरी बुक एंड कॉम्प्रिहेंशन बुक उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स को समझाया है कहाँ पे कैसे इनके यूजेस हैं कैसे कहाँ पे आप इनको यूज करेंगे और सर ने वोकब क्लास जो आप लोग ऐप पे और YouTube पे जो सेंड किया उसमें बहुत तरीके से बहुत अच्छे से सर ने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है बट यहां पे हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे so, court scene. तो दोषी करार देना या निर्दोष साबित करना इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं एक है आपका एब्सोल्व लेट समब अच्छा पिछला जो हमारा वॉकएप सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ए बी बी से रिलेटेड डी ई डी आई ज्यादातर ये वर्ड्स क्या करते हैं अवे अवे करते हैं ये मतलब कोई ना कोई एब है भाई कोई प्रॉब्लम है इसमें दूर करो इसको तो इन वर्ड्स का क्या मतलब हुआ अब अब जाओ, अब लेट ऑफ, ऑब्जेक्ट है लेट ऑफ ऑफ करो इसको बरी करो भैया जाने दो तो. अक्विट क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन बताया था ना तो अक्विट क्विट मींस त्यागना तो यहां पे अक्विट तो एक आप इसको याद करने का वो रख सकते क्विट मींस त्यागना इसका मतलब यहां भी कुछ छोड़ने से रिलेटेड ही है तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा निर्दोष साबित करना अब्जोल्व अब जाओ लेट ऑफ लेट हिम गो उसे जाने दो लेट ऑफ बरी करो इसको बरी करना लेट ऑफ लेट हिम गो क्विट करो इसको जाने दो बरी करो अबजोल्व अब जा भाई तू बस ठीक है फ्रेंड्स तो निर्दोष साबित करना से रिलेटेड ये वर्ड्स हो गए और इनके अपोजिट वर्ड क्या होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो वर्कअप क्लास में या फिर उसमें इसमें अपोजिट वर्ड्स क्या क्या होंगे बताए पहला वर्ड क्या दिया हुआ है उसमें पहला वर्ड है इनक्रिमिनेट इनक्रिमिनेट दूसरा क्या है याद करो आप लोग इंप्लीकेट इनक्रिमिनेट इंप्लीकेट एंड थर्ड बहुत कॉमन वर्ड है कन्विक्ट कन्विक्ट मींस क्या होता है इन सबका मतलब होता है दोषी करार देना ये सारे वर्ड सिमिलर हैं इनके यूजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं बट ये आप एक साथ इनको याद करेंगे तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं कॉमन इनक्रिमिनेट क्रिमिनेट क्रिमिनल है, है भैया इसको पकड़ो समझ रहे इनक्रिमिनेट इम्प्लीकेट पुलिस इंप्लीकेट करेगी दोषी करार देगी पकड़ेगी नॉर्मल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है दोषी तो हमारे जो निर्दोष साबित करना से रिलेटेड वर्ड थे वो थे एब्जॉल लेट ऑफ अक्विट और इनके एंटोनिम्स क्या हो गए दोषी के इनक्रिमिनेट इम्प्लीकेट एंड सो फ्रेंड्स ये वर्ड्स हैं आपको आपके इसको एक बार मेमोराइज करें आप इसको देखें सेकेंड वर्ड लेकर के स्टार्ट करेंगे हम ओके okay? एक बार आप इसको मेमोराइज करें ओके, okay, लास्ट में हम एक रैपिड फायर खेलेंगे एक तरफ से वर्ड्स में बोलता जाऊंगा आप रिपीट करना हमें केवल इनको मेमोराइज करना है याद करना है और रिपीट करना है ओके फ्रेंड्स सो आज का दूसरा वर्ड हम लेते हैं वो है परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना परिस्थितियों के अनुसार सो so, पहला वर्ड हमारा इसमें क्या है फ्रेंड्स पहला वर्ड है अक्लिमिटाइज 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 मीन क्या होता है परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना ओके फैमिलराइज अक्लिमिटाइज क्लाइमेट अक्लिमिटाइज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट समझ रहे हो आप याद करने के हिसाब से क्लाइमेट के अनुसार ढल जाते हैं तो अक्लिमिटाइज फेमुलराइज फैमिलराइज मतलब कोई फैमिली है भैया, कोई हमारे यहाँ अतिथिगण आते हैं घर पे कुछ भी होता है जो हमारे तो वो क्या होते हैं एक दो दिन तो unfamiliar way में रहते हैं बट वो फैमिलियर हो जाते हैं हम उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं मतलब वो एक फैमिली टाइप जैसे हो जाते हैं उसमें घुल मिल जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं तो फैमिलियराइज ओके okay? पहला वर्ड है अकलिमिटाइज दूसरा फैमिलराइज एडेप्ट एडेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स इसका मतलब भी होता है ढलना जैसे क्या होता है हम टेंथ uh, स्टैंडर्ड्स या ट्वेल्थ स्कूल लेवल पे होते हैं जब हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो सारे फ्रेंड्स अलग 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 जगहों पे हो जाते हैं तो नया वातावरण नए फ्रेंड्स नए स्टूडेंट तो उसमें क्या होता है हम वहाँ के सिस्टम को हम अडेप्ट करते हैं मतलब उसके उस सिस्टम में हम अडेप्ट हो जाते हैं धीरे धीरे हम ढल जाते हैं और एक अडेप्ट का यूज़ आप करेंगे एडेप्ट कोई मशीनरी कोई टेक्निकल पार्ट है या कुछ भी है उसको हम मोडिफाई करके दूसरे रूप में यूज करते हैं उसको भी क्या करते हैं एडेप्ट करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स तो कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीनरी को एडेप्ट करते हैं जब हम तो उसको दूसरे रूप में ढालते हैं मोडिफाई करके सो so, तीन वर्ड हो गए एक चौथा वर्ड है आपका कंफर्म टू एक होता है फ्रेंड कन्फर्म कन्फर्म करना सी ओ एन एफ आई आर एम कन्फर्म वो होता है कन्फर्म कर देना मतलब कन्फर्म है आपकी टिकट टिकट क्या होती है कन्फर्म ये कन्फर्म है सी ओ एन एफ ओ ओ एन एफ ओ आर एम कन्फर्म टू मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स कन्फर्म टू जब हम कोई सोसाइटी कोई कस्टम्स को फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं कन्फॉर्म टू मतलब उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं मतलब उसको फॉलो करते हैं और एक कन्फॉर्म टू होता है जब कोई ऑर्डर कोई रूल उसको हम पालन करते हैं ओबे करते हैं समझ रहे हो आप तो इसके और रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे ओबे ये सारे सिनोनिम्स हैं ओके okay, फ्रेंड्स ओबे एक हो गया एडहियर टू एडहियर टू और बताओ क्या होगा ये सारे आपके आई टीवी हैं ये टीवी है ओबे एडहियर टू अवॉइड बाई और कंप्लाई विद ओके okay फ्रेंड्स तो ये चार वर्ड और निकल के आ गए आपके कंफर्म टू ओबे एडेयर टू अब बाई एंड कंप्लाई विद इसका मतलब क्या होता है पालन करना ओबे कंफर्म टू बताया था कोई अगर कोई कस्टम्स कोई सोसाइटी इनके हम सिस्टम को फॉलो करते हैं पालन करते हैं और यदि कंफर्म टू कोई ऑर्डर कोई रूल ये हो गया तो इसको हम क्या करते हैं पालना करना इसका भी मतलब ओबे तो इनके तीन वर्ड्स कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं एडियड टू विद एक ये वर्ड है अडॉप्ट बड़ा ही कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स तो एडॉप्ट क्या होता है हम क्या करते हैं बच्चे को गोद लेते हैं ना तो एडॉप्ट किसी बच्चे को हमने गोद लिया तो क्या एडॉप्टेड चाइल्ड गोद लिया हुआ बच्चा और एडाप्ट यदि किसी हम सिस्टम को या मशीनरी को एडाप्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं अपनाते हैं मतलब स्वीकार करते हैं करते हैं ओके एक है इंब्रेस. इंब्रेस. और एक है है और फ्रेंड होता आपने ध्यान दिया इंबेरस इंबेरस क्या होता है एम्बेस सिचुएशन हो जाते हैं ये है एम्ब्रेस एम्ब्रेस मीन्स हग हग मीनस गले लगाना ओके तो वो क्या था इंब्रेस इंब्रेस मीनस क्या होता है हग गले लगाना इंब्रेस कहां यूज होता है फ्रेंड्स इंब्रेस जैसे कोई फॉरेन कल्चर्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं बहुत तेजी से उसको एम्ब्रेस करते हैं मतलब अपनाते हैं गले लगाते हैं उस चीज को ठीक है सारे वर्ड सेम है सबके मीनिंग सेम है बट इनके यूजेस आपके अलग अलग जगहों पे हैं सो आप हमारी बुक जो एम की बुक है उसको आप ध्यान से पढ़ें और जो सर ने वॉकअप क्लासेस आप लोगों को वीडियो सेंड किया होगा उसको ध्यान से देखें उसमें सर ने एक एक वर्ड्स को डिफाइन किया हुआ है फ्रेंड्स तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि कौन से वर्ड का कहां पे परफेक्ट यूज है आपको इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन सारे जगहों पे उनके वर्ड्स के यूजेज आपको पता चलेंगे हम यहां पे क्या करवा रहे हैं? याद करवा रहे हैं बस आपको रिवाइज करवा रहे हैं बस ओके फ्रेंड्स तो हो गया एक वर्ड है इम्बेस ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस इंबेरस इंबेरस सिचुएशन होती है फीलिंग अड ड समझ रहे आप सो so, ये है इबैरस वो है इम्ब्रेस so, परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं? आपके पहला वर्ड है एक्लिमिटाइज क्लाइमेट के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं दूसरा वर्ड क्या है फेमिलइज ये सारे सिनोनिम्स हैं एडेप्ट बताया था अभी कंफर्म टू नॉट टू टू कन्फर्म टू और इसके सिनोनिम्स क्या क्या और फ्रेंड्स सो okay, so, परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं एक बार आप इनको मेमोराइज करो देखो नया वर्ड्स लेकर के हम आते हैं दोबारा इसी आगे इसी के आगे सो इसको एक बार आप मेमोराइज करें ताकि बाद में हम जब रैपिड फायर खेलेंगे तो उसमें आप फटाफट रिप्लाई देते जाना ओके ओके फ्रेंड्स नया वर्ड लेते हैं प्रदान करना प्रदान करना चलो एक तरफ से आप बताओ अकार्ड कन्फ बेस्टो ग्रांट एंडो अवार्ड प्रेजेंट डेलीगेट डिवॉल्व इमार्ट एंड असाइन इसमें बहुत सारे वर्ड्स बहुत कॉमन हैं जो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में आप जानते भी होंगे बट कुछ वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हैं इनके यूजेस अलग अलग जगहों पे हैं मैं यूजेस नहीं बताऊंगा ज्यादा अंदर डीप वे में बट ये सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या है सेम है मतलब एक ही अर्थ ये देंगे आपके अकॉर्ड अकॉर्ड यहां पे क्या है वर्व है ओके फ्रेंड्स सो अकॉर्ड वर्व एक अकॉर्ड होता है फ्रेंड्स वो नाउन होता है एक कॉर्ड मींस क्या होता है अग्रीमेंट ओके okay. और इसका अपोजिट क्या होगा डिस्कार्ड डिस्कॉर्ड मींस डिस एग्रीमेंट कार्ड एग्रीमेंट डिसकॉर्ड डिस एग्रीमेंट डी मैंने बताया था ना क्या करता है दूर करता है डी आई डी ए बी जो प्रीफिक्सेस हैं ज्यादातर ये क्या करते हैं अवे करते हैं सो सहमति एग्रीमेंट डिस्कॉर्ड मतलब डिस एग्रीमेंट असहमति अच्छा कॉर्ड मीन क्या होता है सीओ आर डी बताओ आप कॉर्ड सीओ आर डी कॉड मींस थ्रेड मीन्स भी धागा होता है फ्रेंड्स पी एच आर ई ए डी थ्रेड स्ट्रिंग ये सारे वर्ड्स क्या हैं सेम है ओके कॉर्ड थ्रेड स्ट्रिंग अकॉर्ड एग्रीमेंट एक धागे में हमें क्या करता है बांध के रखता है अकॉर्ड सो so, उनके जो अलग मीनिंग थे मैंने अभी बताए हैं बट प्रदान करना से रिलेटेड अकॉर्ड अकॉर्ड मीन्स प्रदान करना कन्फर बेस्टो कन्फो एंड बेस्टो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कन्फो बेस्टो ये क्या होता है कोई टाइटल कोई डिग्री हम जब किसी को प्रदान करते हैं मतलब सचिन को भारत रत्न दिया गया तो क्या गया कन्फोर्ड मतलब कोई उपाधि दी गई कोई पद्मश्री किसी को दिया गया तो क्या करते हैं कन्फो करते हैं या बेस्टो करते हैं ओके okay, सो so कोई डिग्री या फिर कोई टाइटल ग्रांट बड़ा ही कॉमन वर्ड है बचपन से हम अप्लीकेशन में यूज करते हुए सर ग्रांट में लीव फॉर टू डेज दो दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए सो नॉर्मल है सबको पता है एंडो एंडो दो क्या करते हैं कोई हॉस्पिटल टेम्पल तो, ट्रस्ट को हम डोनेशन देते हैं ना उसको एंडो बोलते हैं ओके okay? तो वहां भी क्या करते हैं प्रदान करते हैं अवार्ड अवार्ड अगर नाउन है तो पुरस्कार वर्ब भी होता है अवार्ड सो अवार्ड अगर यहां पे वर्ब है तो अवार्ड देना प्रदान करना रेफरी या जज क्या करते हैं दो पॉइंट एक्स्ट्रा अवार्ड कर देते हैं किसी को प्रदान करते हैं कोई रेसलिंग में या किसी चीज में सो so, अवार्ड अगर फ्रेंड्स नाउन है तो उसका मतलब होता है पुरस्कार कुछ भी हो सकता है और अवार्ड वर्ब होता है तो यहां पे वर्ब के रूप में आप यूज कर सकते हो अवार्ड मीस प्रदान करना सो प्रेजेंट नॉर्मल वर्ड है प्रेजेंट प्रस्तुत करना प्रेजेंट करना डेलीगेट एंड डिवॉल्व डेलीगेट एंड डिवॉल्व ये दोनों वर्ड्स फ्रेंड्स सेम है ओके okay? इसमें क्या करते हैं जब कोई अपनी ड्यूटी कोई अथॉरिटी अपने क्या करते हैं जूनियर स्टाफ को जैसे मान लो मैं छुट्टी पे जा रहा हूं सो प्लीज राम जी थोड़ा सा ये काम देखना आप मैं इतने दिन तक छुट्टी पे रहूंगा या जो तो उसमें क्या करते हैं डेलीगेट डिवॉल्व अपनी ड्यूटी को अपने जूनियर को प्रदान कर देते हैं सो डेलीगेट एंड डिवॉल्व प्रदान करना अपनी ड्यूटी अथॉरिटी इम इम्पार्ट मींस प्रदान करना ट्रेनिंग कोचिंग क्या करते हैं इम्पार्ट करते हैं कोचिंग क्या करती है इम्पार्ट शिक्षा प्रदान करती है आपको इम्पार्ट कोई ट्रेनिंग कोई स्किल हो गया आपको प्रदान किया जाएगा असाइन कोई टास्क या कोई वर्क अपने स्कूलों में हमें असाइनमेंट मिलता था प्रोजेक्ट मिलता था कोई बनाने के लिए करने के लिए कोई टास्क आपको दिया जाता है प्रदान किया जाता है असाइन कि, किया जाता है सो so, फ्रेंड्स प्रदान करना से रिलेटेड इतने सारे ये वर्ड्स हैं मैंने आपको ये बताए हैं डिवॉल्व इम्पार्ट एंड अशाइन सो ये वर्ड्स हैं आपके मैंने प्रॉपर यूज एक एक चीजें लिख करके नहीं बताई है आपको बताया है वर्ड्स बस हमें याद करना है इसको आप वॉकअप क्लास को देखें और अपने बुक को देखें अगर प्रॉपर इसके यूजेज आपको पता करना है तो सो so, एक बार इसको आप मेमोराइज करें क्योंकि लास्ट में चलेगा रेपिड फायर शो ओके फ्रेंड्स तो नया वर्ड लेते हैं हम कबूल करना स्वीकार करना अच्छा एक नॉर्मल वर्ड है कबूल करना का सबको पता होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट मीस भी कबूल करना होता है उसको भी लिख दो आप एक्सेप्ट एडमिट आई एडमिट माई मिस्टेक्स क्या होता है जब कोई गलती होती है कुछ भी होता है तो क्या हम बोलते हैं अगले पार्टी को कि आई एडमिट माई मिस्टेक मैं अपनी गलतियों को कबूल करता हूं भैया ठीक है माफ करो एडमिट कन्फेस कोई क्राइम हो गया या कुछ भी हो गया आप पुलिस के सामने क्या करते हैं कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों को कबूल करते हैं सो कन्फेस कन्फेस्ट चर्च में टेम्पल्स में भी कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों को भगवान के सामने कबूल करते हैं फ्रेंड्स ओके अकनोलेजनोलेज मीन्स भी कबूल करना होता है क्या करते हैं जैसे कोई मैसेज मैंने अपने फ्रेंड को ड्रॉप किया सो so, उधर से क्या रिप्लाई आता है okay. ओके मतलब उसने अकनोलेज कर लिया उसने कबूल कर लिया कि या आई एक्सेप्टेड योर कंसीड न चाहते हुए भी स्वीकार करना कोई फैक्ट हो गया कोई ट्रुथ हो गया मतलब कंसीड मींस प्रोसीड करो इसको कंसीड प्रोसीड न चाहते हुए भी स्वीकार करना कोई ट्रुथ या फिर कोई फैक्ट को ओके फ्रेंड्स सो कबूल करना से रिलेटेड एक्सेप्ट एडमिट कंफेस एक्नॉलेज कंसीड ये वर्ड्स आपके कबूल करना इससे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं सो फ्रेंड्स आज आपके चार वर्ड्स हुए थे पहला पहला वर्ड कौन था आपका कोर्ट सीन था दूसरा क्या था दूसरा बताइए क्या था कोर्ट सीन कोर्ट सीन से रिलेटेड रैपिड फायर खेलते हैं एक बार कोर्ट सीन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है एक बार आप मेरे को बताओ कौन सा पहला एब्सॉल्व अब जाओ बस बस बरी करो इसको भैया एक था लेट समवन समवन ऑफ है ऑब्जेक्ट so सो कुछ भी आप रख सकते हो लेट हिम गो लेट ऑफ मतलब इसको बरी करो इसको जाने दो एक है क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट करो इसको त्यागो मतलब जाने दो ये बस एक याद करवाने के लिए बोल रहे हैं ये वर्ड्स आपके सारे सेम हैं ओके फ्रेंड्स इनके अपोजिट अपोजिट वर्ड क्या बताया था मैंने एक बताया था इनक्रिमिनेट दूसरा इम्प्लीकेट एंड तीसरा कन्विक मीन दो सी इनका मतलब होता है निर्दोष साबित करना एब्सोल्व जाओ लेट ऑफ ऑफ करो इसको अकविट जाने दो सो so, ये आपके अपोजिट वर्ड थे इनक्रिमिनेट इम्प्लीकेट एंड कन्विक मीन दोषी दूसरा वर्ड क्या था परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना सो पहला वर्ड क्या था आपका अक्लिमेटाइज अक्लिमेटाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट क्लाइमेट के अनुसार ढल जाना है अपने को ढाल लेना फेमिलियराइज <coughs> Famil, बहुत फेमिलियर है मतलब घुलनशील है मतलब बहुत फेमिलियर है मतलब बताया था ना फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेना उस चीज को मतलब ढल जाना उसमें अपने आप को ढाल लेना एड़ेप्ट, एड़ेप्ट क्या स्कूल स्कूल वाला एग्जांपल दिया था छोड़ के हम कॉलेज में जाते हैं वहां का सिस्टम अलग होता है सब कुछ अलग होता है फिर भी हम उसको सिस्टम के अनुसार क्या करते हैं एडेप करते हैं और यदि किसी की टेक्नोलॉजी या कोई सिस्टम को एडेप्ट करते हैं मतलब उसको दूसरा रूप प्रदान करते हैं मतलब मोडिफाई करके उसको Conform टू के और क्या क्या सिनोनिम्स बताए थे सामने लिखा हुआ ओबे एक है कंप्लाई विद अब बाई एंडियर टू obey एडियर टू कंप्लाई कंप्लाई विद एंड abide बाई सो फ्रेंड्स कंफॉर्म टू के दो यूजेस बताए थे कोई कस्टम्स या फिर कोई सिस्टम <coughs> को हम फॉलो करते हैं मतलब उसके उसको निभाते हैं और दूसरा यूज बताया था फर्म टू कोई ऑर्डर हो गया कोई रूल हो गया उसको क्या करते हैं हम उसको ओबे करते हैं मतलब पालन करते हैं पालन करना ओबे मीन क्या होता है पालन करना नॉर्मल वर्ड है एडॉप्ट मीन्स बच्चे को गोद ले लेना और दूसरा एडॉप्ट होगा कोई सिस्टम को या कोई टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट करते हैं मतलब स्वीकार करते हैं इम्ब्रेस इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना किसी भी फॉरेन कल्चर को उस, उनके उसको क्या करते हैं बहुत तेजी से हम इंडियंस गले लगा रहे हैं इम्ब्रेस एक बताया था इम्बैरस वो इम्बैरस सिचुएशन होती है मतलब अकवर्ड कोई समाज में दस लोग बैठे हुए हैं हम उसमें पहुंचे हमारा बाल इधर उधर से कटा हुआ है फेस पे कुछ लगा तो जब कोई व्यक्ति आपको सीधे यार क्या रूप बना रखा है तो हम क्या करते हैं वहां दस लोगों के बीच में एम्बेरस फील करते हैं ओके अकवर्ड So, परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है फैमिलराइज एडप्ट कन्फर्म टू ये वर्ड आपके परिस्थितियों के अनुसार ढलना या ढालना याद कर लो आप इसको और जहन में बिठा लो ओके okay, फ्रेंड्स आगे ये वर्ड सब प्रदान करना प्रदान करना उल्टा चलते हैं उल्टा असाइन इंपार्ट डिवॉल्व डेलीगेट दोनों सेम बताया था प्रेजेंट अवॉर्ड एंड बेस्ट कन्फर्म कन्फर्म एंड अकॉर्ड सो फ्रेंड्स अकॉर्ड कन्फर्म बेस्ट एंडो अवार्ड प्रजेंट डेलीगेट डिवॉल्व इंपार्ट एंड अशाइन ये सारे वर्ड्स क्या है सेम है इनके यूजेज अलग अलग है सो so एक बार और मेरे साथ आप इसको रिपीट करो प्रदान करना से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स है अकॉर्ड बेस्टो ग्रांट और एंडो अवार्ड, और 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 डिवॉल्व प्रेजेंट ये लास्ट में हो गया इम्पार्ट एंड असाइन ओके फ्रेंड्स सो नया वर्ड लेते हैं ये आगे वाला वर्ड है आपका अच्छा इसमें ये जो आपको बताया था अकॉर्ड अगर नाउन है तो क्या होता है अग्रीमेंट और उसका उल्टा क्या हो जाए अपोजिट डिसएग्रीमेंट डिस्कार्ड और कॉर्ड मींस धागा जो बताया था स्ट्रिंग एंड थ्रेड ये आ गया कबूल करना कबूल है कबूल है ओके एक्सेप्ट नॉर्मल वर्ड आ गया एक्सेप्ट दूसरा वर्ड क्या है एडमिट आई एडमिट माई मिस्टेक्स आई एडमिट माई मिस्टेक कन्फेश कन्फेश क्या करते हैं पुलिस के सामने अपने गुनाहों को हम कबूल करते हैं चर्च में टेंपल में कहीं भी आपने घुमाओ भगवान माफ करो गलती हुई अक्नोलेज क्या करते हैं किसी मैसेज को हम अक्नोलेज करते हैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने याद करने के लिए ओके फ्रेंड्स कंसीड प्रोसीड ओके कबूल करना किसी ट्रुथ कोई फैक्ट को सो so, आपको कबूल करना से एक्सेप्ट करना से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं? एडमिट कंफेस एक्नोलेज कंसीड ओके फ्रेंड्स सो so, आज के ये वर्ड्स थे आप इनको प्रॉपर मेमोराइज करो याद करो और आगे हम नया वर्ड्स लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट संडे सो फ्रेंड्स घर पे रहें अच्छे से रहें स्टे होम एंड स्टे सेफ जय हिंद हेलो हेलो सॉरी फ्रेंड्स आगे अभी पैसेज पैसेज आ रहा है सो so, आप बने रहें, दोबारा पैसेज की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई देना हेलो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे सबसे पहले आपको आज मदर्स डे है तो मेरी तरफ से आप सभी को आज मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ और इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक दिख रहा होगा पैसेज जो पैसेज जिसको लेकर के ऐसी सोच होती है कि पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा एग्ज़ाम के अंदर लेकिन आज जो है वर्ड टू वर्ड पैसेज को समझेंगे और जानेंगे फिर उसके बाद उस तरीके से अगर आप भी उसको घर पर अप्लाई करेंगे तो आई होप कि आप भी जो है किसी भी पैसेज को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आज जो है थोड़ा इजी पैसेज है जो आपको समझाने के लिए तो आइए चलते हैं पैसेज पर और इसकी शुरुआत करते हैं ठीक है Friends. Charlie Chaplin is आज चार्ली Chaplin जी के बारे में पढ़ेंगे चार्ली चैपलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन cinematic हिस्ट्री पहले एक बार देखते हैं कि सिनेमेटिक यहां पर क्या है एबजेक्टिव हिस्ट्री क्या है नाउन तो कह रहा है इधर से शुरू करतेमेटिक हिस्ट्री में यानी रिलेटेड टू सिनेमा चार्ली चैपलिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज एब्जेक्टिव एंड दिस वन इज नाउन फिगर्स का मतलब चेहरा या हस्ती तो कह रहा है कि वन ऑफ मोस्ट यहां पर क्या है एडवर्ब तो क्या है एडवर्ब है one of का मतलब यहाँ पर से है तो वन ऑफ का मतलब जब से होता है तो उसके बाद द प्लस प्लूलर नाउन दिस वन फिगर्स ठीक है तो सिनेमेटिक हिस्ट्री के जाने माने हस्तियों में से एक माने हैं कौन चार्ली चैपलिन और कौन का जवाब देने वाला आप जानते हैं क्या होता है नाउन ये नाम है तो ये तो नाउन ही होगा ठीक है आगे चलते हैं फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन क्या करी है? कि करिए पॉवर्टी कह रहा है कि बॉर्न इन जन्मे हुए कहां पर? कहावर्टी का मतलब पावर्टी नाउन है गरीब परिवार में जन्मे हुए यानी और सिंगुलरली रेस्ड बाय हिज हिज कौन यहां पर ये पजेसिव है हिज मदर उनके माता के द्वारा सिंगुलरली रेस्ड का मतलब पालन पोषण किया गया जो कहाँ जन्मे हुए थे एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे हुए थे इसका मतलब कि ये क्या है ये पूरा क्या है एडजेक्टिव फ्रेज जैसे फिर इसको अगर क्लॉज में आप बदलोगे तो क्लॉज में क्या क्या होगा सिंगुलरली रेस्ड जिनका अकेले ही पालन पोषण किया गया किसके द्वारा उनके मदर के द्वारा ये एडवर्व है तो फिर ये क्या होगा एडजेक्टिव चूंकि ये थर्ड फॉर्म है और ये क्या एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है आप क्लॉज में बदल दो आप who was singularly raised by his mother हो गया आइए चलते हैं नेक्स्ट जरा देखते हैं एक बार रेज के बारे में r a i s e दिस इज रेज रेज मींस रे जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा रेज जब नाउन होता है अभी नाउन पर देखते हैं एक बार, तो वृद्धि या बढ़ोतरी ठीक है लेकिन जब रेज ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो एक इसका मतलब होता है उठाना क्या उठाना जैसे फिंगर उंगली उठाना क्या होता है रेज ठीक है फिर रेज है फिर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब ये होता है बढ़ाना किसी चीज को बढ़ाना जैसे प्राइसेस वगैरह को बढ़ाना क्या होता है किस चीज को बढ़ाना ट्रांजिटिव व ठीक है और जानते हैं आप रेज रेज और रेज दिस इज व फर्स्ट दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड फॉर्म ठीक है अब इसी तरह का एक अगला है नेक्स्ट है राइज़ राइज़ का मतलब आई टी वी इसका मतलब बढ़ाना नहीं बढ़ना होगा या उगना होगा जैसे द सन राइजेस इन ईस्ट सूर्य पूरब में क्या होता है उसका उदय होता है यानी उगता है ठीक है उसी तरह से एक होता है अराइज अराइज अरोज एंड दिस इज अराइजन दिस वन इज ऑल्सो इन ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इट मीन्स उत्पन्न होना जैसे किसी प्रॉब्लम या दिस वन इज सिचुएशन का अराइज होना क्या होता है ये क्या है आई वी अराइज अरोज और अराइज और वहां एक रेज का मतलब क्या था वहां जो रेज का मतलब था वो ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है उसका मतलब उसका मतलब होता है पाल पोस्कर पाल पोस्कर बड़ा करना ठीक है चले तो फिर क्या कह रहा है पाल पोस्ट का बड़ा हो गए ठीक है फिर कह रहा है कि चैपलिन टू फाइंड फाइंड फीट फीट कह रहा है इस फीट या इडियम है इसका मतलब है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा होना फाइंड स्पीट कौन अपने पैरों पर खड़ा होना इडियम है पैरों पर खड़ा होना पड़ा कब वेरी अर्ली दिस वेरी इज एडवर्ब and this is adjective and this one is on in life this is adverb phrase means find के लिए ये क्या है adverb phrase है और इसके लिए early के लिए adverb कौन सा है, Very है. ठीक है बहुत कम उम्र में उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा ठीक है आप देखिए आगे क्या कर एडवर्ब है फोर्टीन ईयर्स फोर्टीन यहाँ डिटरमिनर है और ये कह रहा है ईयर्स क्या है नाउन है कह रहा है कि फोर्टीन ईयर्स के की मतलब के हुए थे कह रहा है कि फोर्टीन ईयर्स के हुए थे ऑल का मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कह रहे हैं चौदह के ही हुए थे वो कहते हैं पंद्रह के हुए सोलह के हुए तो वो क्या है ऑल का मतलब एडवर्ब है ये की का सेंस दे रहा है कि फोर्टीन के हुए थे ईयर्स वेन इवन इवन यहां पर इवन क्या है एडवर्व एवन हिज सोल कौन गार्जियन सोल क्या है एबजेक्टिव सोल का मतलब ओनली वन सोल गार्जियन कौन थी हिज मदर हैज टू बी मूवड हैज टू बी मूव्ड का मतलब पैसिव बी के बाद क्या है वर्व की थर्ड वर्म हैज टू बी मूव का मतलब उनको मूव कराना पड़ा और हैज टू मूव होता तो मूव करना पड़ा यानी खुद एक्टिव में होता क्योंकि चूंकि ये पैसिव है थर्ड पर्सन एक्शन किसी और के द्वारा हो रहा है इसलिए टू का मतलब किसी प्लेस को जैसे आई एम गोइंग टू डेली इन द सेम वे टू अ मेंटल असाइलम ये एडजेक्टिव है जो जहाँ पर पागल खाने में जो रखते हैं जिस मरीज को वहाँ पर उनको क्या करना पड़ा मूव करवाना पड़ा टू बी मूव्ड अब देखिए जरा एक बार इवन जब एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है भी और इवन जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होता है स्मूथ कैसे इवन सरफेस तो सरफेस इज व्हाट नाउन एंड दिस वन इज एडजेक्टिव एंड इवन जब एडवर्ब होगा तो इसका मतलब होगा भी भी कह रहे उनको भी यह काम करना पड़ा या उनको भी स्कूल जाना पड़ा या उनको भी खाना करना मतलब इवन का मतलब इंसिस्ट कर रहा है मतलब उस पर जोर दे रहा है पल दे रहा है ठीक है आइए चलते हैं। तो मेंटल असैलम हो गया हाउ आयरॉनिकल हाउ आयरॉनिकल एंड पोइटिक पोइटिक का मतलब होता है अनरियल अवास्तविक जो थोड़ा सोच से परे पोइटिक अनरियल होता है और आयरॉनिकल यहाँ एडजेक्टिव है तो ये हाउ क्या है एडव ऑफ मैनर ठीक है कि कैसी यह विडंबनीय है और पोइटिक है चूंकि विडंबनी का मतलब यहाँ पर आप कहलाता है कंट्रास्टिंग सिचुएशन इसका मतलब कि जहाँ पर किसी चीज़ की जो है प्लेंटी होती है यानी प्रचुरता होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पर जो अभाव होता है कि भारत में इतने 130 प्लस करोड़ लोग हैं पर यहां पर 150 प्लस का एक भी बॉलर नहीं है इट मीनस या भारत की क्या ये कैसी विडंबना है दिस इज वे दिस इज एडजेक्टिव एयर लग रहा है तो इसका अगर नाउन बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आई आर ओ एन वाई दिस इज आयरनी आयरनी मीनस विडंबना ठीक है इज द फैक्ट यह फैक्ट है कौन सा फैक्ट दैट चार्ली चैपलिन चार्ली चैपलिन अब कह रहा है कि हु सॉ जिन्होंने देखा सच डिटरमिनर है हार्ड एडजेक्टिव है और टाइम्स में एस लगा हुआ है इसका मतलब दौर होता है ये टाइम घड़ी वाला टाइम नहीं ये टाइम्स का मतलब युग इसको एक और बोलते हैं ई e आर एरा सचिन गांगुली एरा गांगुलीज धोनी एरा धोनीज एरा मतलब एक दौर युग कि टेन इयर्स का जो होता है ना उसको एरा बोलते हैं कि उनका फिफ्टीन इयर्स का एक आ, एरा था ये टाइम्स वो है ठीक है कब हु सो यहाँ से लेकर के ये सच हार्ड टाइम्स ये क्या हो गया एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज क्लॉज कौन था इसमें डब्ल्यू भी आ गया टेंस भी आ गया और ये वर्ब भी आ गई तो कब वेन ये तो एडजेक्टिव हो गया लेकिन ये क्या कह रहा है कब इन ही चाइल्ड हुड तो इन ही चाइल्ड हुड क्या हो गया एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब फ्रेज कब देखना पड़ा ठीक है एडवर्ब फ्रेज हुआ लेकिन एडवर्ब फ्रेज का, का काम तो कर रहा है लेकिन यह कह रहा है कि यह कब कब का मतलब कि वो बता रहा है कि टाइम को कब बचपन ठीक है एंड फिर कह रहा है नेक्स्ट देखिए एंड इवन देर आफ्टर इवन ये भी यहां एडवर्ब है और देयर आफ्टर भी क्या है एड वर्ब है इट मीन टू एडवर्ब कैन एक साथ क्या है आ सकते कैन कम टूगेदर इवन एंड एडवर्ब बोथ आर एड वर्ब इवन देयर आफ्टर उन्होंने क्या रखा वेंट ऑन ये क्या है फ्रेजल वर्ब है जारी रखा कायम रखा क्या इन्फिनिटी ऑफ पर्पज टू बिकम द मोस्ट द मोस्ट एडवर्व इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव फेस नाउन ऑफ मीन्स का क्या चीज़ का कॉमेडी उसके बाद भी द मोस्ट एडवर्ब हो गया और ये क्या है एडजेक्टिव और ये क्या है नाउन कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फेस ऑफ कॉमेडी का जो है उन्होंने उस बात को उस चीज़ को बनना कायम रखा यानी जारी रखा जब उनके पास उनके बाद इतने मुश्किल दौर के बाद भी यानी हार्ड टाइम्स के बाद भी वो अपनी जो कॉमेडी थी उसको क्या रखा जारी रखा फिर क्या रहा है वॉल्स ओवर वॉल्स ओवर का मतलब ऑल ओवर इडियमेटिक है ये तो वैसे ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब ग्लोबली ठीक है inunciated का मतलब होता है to pronounce and say something किसी बात पर जोर दे करके कहना अब उन्होंने क्या कहा जरा ध्यान से देखिए उन्होंने क्या कहा enunciated that in order to truly love in order to के बाद ये क्या है verb की first form truly love सच्ची हंसी के लिए one must be able एक व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए टू टेक टू टेक क्या टेक वन पेन पेन कह रहा है कि व्यक्ति को अपने जो पेन है उसको छुपाने की क्या होनी चाहिए कला आनी चाहिए एंड प्ले विथ इट प्ले विथ इट का मतलब इंजॉय करने का सेंस है इट का मतलब यहां पर किससे है पेन से ठीक है आप देखिए जरा है. तो फिर यहां पर क्या हो रहा है ठीक है आफ्टर ऑल फिर कह रहा है कि आफ्टर ऑल हु हैज नॉट बीन आफ्टरऑल हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन माने में इन पेन यहां पे क्या होगा एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज इन पेन बी के बाद आया हुआ है इन पेन पोजिशन और ये नाउन के साथ ही आया हुआ है ये दोनों मिला करके इसके लिए बी के बाद एडजेक्टिव का हाउ का जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब कि क्या है एडजेक्टिव फ्रेज ठीक है कह रहा है कि ऑल हु पेन कह रहा है कि कौन कभी ना कभी कौन दर, पेन में नहीं रहा है यानी किसको दुख नहीं झेला यानी कौन दुख में नहीं रहा है ये कह रहा है कि कभी ना कभी यहां तक क्लियर है क्या आगे चले आइए फिर कह रहा है फिर देखिए स्टोरी कैसे नरेट, नरेट हो रही है देखिए ऑल ऑफ अस ऑल सब्जेक्ट हो गया और ऑफ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन हो गया ये अस क्या है ऑब्जेक्ट दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज क्या सब्जेक्ट ऑल ऑफ हम में से सभी ने Have enjoyed, enjoyed किया है बोथ प्रपजिशन है क्या चीज फिजिकल एंड मेंटल अग्नि कैसी कैसी अग्नि है यह कैसी हाउ का जवाब दे रहा है ये क्या है एडजेक्टिव मतलब शारीरिक और मानसिक पीड़ा को कहाँ पर एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ सम यहाँ पर क्या है determiner है कह रहा है कि पॉइंट यहाँ पर नाउन है इन आवर लाइफ ये लाइफ का क्या है है। है कह रहा है कि जीवन के किसी न किसी बिंदु पर हम में से सभी ने इनजोड़ का मतलब उस चीज को झेला है झेला है क्या झेला है फिजिकल एंड मेंटल एग्नि एग्नि पीड़ा को झेला है फिर क्या कह रहा है बट बट मीन्स यहाँ बट क्या है? कंजंक्शन है कह रहा है कंजंक्शन बट येट दिस इज इंफेसाइजिंग एडवर्ब यानी इस पर जोर दे रहा है बट येट लेकिन फिर भी तो भी वी हम लर्न टू लाफ हंसने की क्या है सीखते हैं हंसना सीखते हैं यानी हंसने की कोशिश करते हैं ठीक है नेक्स्ट है द बॉटम लाइन द बॉटम लाइन कैसी लाइन द बॉटम लाइन बॉटम लाइन ऑफ सचायर सचायर का मतलब ये जो दिया हुआ है ये ऊपर की वन ऑल ऑफ हैिजिकल एंड मेंटल एगोनी कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी बिंदु पर या किसी मोड़ पर सबने कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक पीड़ा को क्या किया है उसको झेला है अंत तक इसका मतलब झेलने का मतलब उसको बर्दाश्त किया है उसको अपने अंदर झेला है ठीक है झेलने का बर्दाश्त करना सहना ठीक है अगर इसको इन्जोर, इन्जोर अगर इसका बनाओ तो ये वर्ब होती है एनजोर्ड वॉट ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है इन आवर लाइफ ठीक है आप देखिए बॉटम लाइन जो इसमें छुपी हुई लाइन है ना कह रहा है कि बॉटम लाइन ऑफ सटायर सटायर के जो बॉटम लाइन है मेन लाइन है वो क्या करना चाहते हैं मूल जो चीज है इसमें मुख्य जो चीज है सटायर में वो क्या करना द ओनली एडवर्ब दिस इज प्रोनाउन क्या है टू प्ले फुली टू प्ले फुली क्या करना टू प्ले फुली मेक डिफिकल्ट थिंग्स लुक फनी इसका मतलब कि टू प्लेफुली यानी खेल खेल में मेक प्लस ये क्या हो गया एडजेक्टिव एंड दिस इज नाउन मेक प्लस मेक प्लस किस चीज को बनाना लुक मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव आ गया मेक के बाद मेक का मतलब करना यानी बनाना क्या बनाना डिफिकल्ट थिंग्स को यानी जो जो मुश्किल चीज है उसको लुक फनी यानी फनी ऐसा बना देना कि वो कैसा दिखने लगे फनी दिखना लगे तो फनी क्या है एडजेक्टिव है ये कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ये जो है एडजेक्टिव आया हुआ है इस टाइप के जो वर्ब होते हैं ना ये कैसे का जब आप दे रहे हैं आगे फनी जैसे ये लुक दिखना कैसा फनी और ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ से इस थिंग्स को क्या कर दिया इसने इससे कनेक्ट कर दिया ठीक है लिंकिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट को जो है वर्ब जो है वो आगे क्या कर देता है वर्ब से यानी एडजेक्टिव से जो वर्ब है सब्जेक्ट को क्या कर देता है लिंक कर देता है दिस इज वे वी कॉल इट वॉट लिंकिंग वर्ब अब देखिए कैसे टुगेदर दिस इज एड वर्ब साथ एज द ट्रेजिक कॉमिक करेक्टर सॉरी यहां छूट गया था फिर कह रहा है ठीक है तो कह रहा है कि टू प्ले फुली मेक थिंग लुक फनी इसका मतलब कि ऐसी बना देना है कि जो ऐसी जो कठिन चीज यानी मुश्किल चीज भी आसान दिखने लगे फनी दिखने लगे फिर कह रहा, रहा है चार्ली चैपलिन ब्लेंडेड ब्लेंडेड यहां पे क्या है ट्रांजिटिव वर्ब किस चीज को मिश्रण किया किस चीज को शोरोस एंड लाफ्टर यानी दुख और हंसी को एक साथ क्या, क्या? किया मिश्रण किया किसमें टुगेदर एडवर्व एज का मतलब के रूप में प्रपोजिशन है कह रहा है कि द ट्रेजिक कॉमिक कैरेक्टर ट्रेजिक कॉमिक क्या है कैसा आज, कैसा कैरेक्टर था ट्रेजिक कॉमिक ट्रेजिक कॉमिक का मतलब कि ट्रेजडी ट्रेजडी प्लस कॉमिक कॉमिक का मतलब हंसना हंसी और दुख दोनों का माहौल कह रहा है किसमें द लिटिल ट्रैम लिटिल ट्रैम इनका एक कैरेक्टर था जो नाइनटीन के, के uh, में जो है इन्होंने एक प्ले किया था जिसमें इन्होंने अपने जेस्टर से अपने हाव भाव से इन्होंने आसानी की क्या की थी कोशिश किया था यानी इन्होंने कुछ बोला नहीं था ही प्लेड साइलेंटली ठीक है फिर क्या कह रहा है वी कैन ऑल ऑल एडवर्ब है वी कैन ऑल टेक अ लाइफ आउट ऑफ द लिमनरीज बुक लिमनरीज बुक का मतलब इंस्पायर कर इंस्पायर करने वाली जो बुक होती है उससे कह रहा है कि वी कैन ऑल टेक अ लीफ आउट ऑफ लुमनरीज़ बुक इसका मतलब टू टेक अ लीफ आउट ऑफ बुक इसका मतलब होता है फॉलो करना फॉलो करना यानी उसी तरह उस जीवन में उसको उतारना यानी अनुसरण करना इमिटेट करना लुमनरीज़ बुक किसी इंस्पायरी बुक से क्या करते हैं हम उससे उससे सीखते हैं वैसा जीवन में उतारते हैं और फिर क्या कह रहा है और फिर क्या कह रहे हैं फिर देखिए ये दोनों जो है ना ये जब एक ही बात को एक ही सब्जेक्ट कह रहा है तो दोनों को एक साथ लाना नहीं होता है जैसे सब्जेक्ट वीमिन में हमने पढ़ा होगा और एंड क्या है कनेक्ट कर रहा है इसको किसको इस सेंटेंस को इसका मतलब कि ये क्या है कंजंक्शन है एंड लीव बाय द प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत लीव बाय का मतलब लीव लीव बाय क्या है यहाँ पे लीव बाय क्या है फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है के अनुसार के अनुसार जीना इसका मतलब कि जो सिद्धांत दिया है वो उसके अनुसार जीना इसका मतलब आपके जीवन में भी कुछ सिद्धांत होंगे उसके अनुसार आप रहते होंगे आपकी टाइमिंग फिक्स होगी ठीक है अब वो प्रिंसिपल क्या है दैट अ डे विदाउट लाफ्टर कह रहा है कि अ डे विदाउट विदाउट विदाउटिशन लाफ्टर एक दिन बिना हसी के इज डे वेस्टेड वेस्टेड कौन बेकार है वो दिन क्या है बेकार है ठीक है दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन आंसर पे चलें आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर ठीक है समझेंगे एक एक चीज को उसके बाद फिर आप खुद ही देखेंगे आप समझ जाएंगे लेट्स प्रोसीड लुक फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई द चार्ली चैपलिन सक्सेस इन कॉमेडी सो पोइटिक कह रहा है कि सो so एडवर्ब है पोइटिक क्या है एडजेक्टिव सो इट मीन्स कि कह रहा है कि चार्ली चैपलिन की वॉट सक्सेस इन माने में कॉमेडी में सो so पोइटिक कॉमेडी में इतनी अनरियल क्यों लग रही है क्यों अवास्तविक लग रही है लग नहीं रहा है कि ये इसमें हकीकत भी है या नहीं है तो आइए देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं बिकॉज ही वॉज स्ट्रक विद गुड लक उनके साथ गुड लक था नहीं था अरे गुड लक होता तो उनकी माता जी चली गई पागल में उनके उनके चार्ली चैपलिन के खुद इतनी जो है प्रॉब्लम से गिरे हुए थे तो यहां पर अगर बैड लक होता तो एक बार सोचते ठीक है सेकंड देखते हैं कंजंक्शन है इट्स सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ टैलेंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा को यह उसको इंडिकेट करता है उसको बताता है एंड टेलस हमें यह कहना तो क्या कहता है दैट की टैलेंटेड पीपल कैसे पीपल टैलेंटेड पीपल डोंट हैव टू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है डोंट हैव टू गो थ्रू गो थ्रू क्या हैुजरना से होकर गुजरना कह रहा है कि किसी व्यक्ति को क्या कह रहा है कि सक्सेस पॉइटिक क्यों थी क्योंकि यह इस, इस चीज इस बात को सिग्निफाइज कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ टैलेंट जो जो प्रतिभाशाली की जो वैल्यू होती है जो कीमत होती है और ऑन टेल्स वो हमें ये बताती है कि लोग जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको गो थ्रू एनी ऑडियल ऑडियल का मुसीबत इन देयर लाइफ डिटर्मिनर उनके जीवन में उनको चुनौतियों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है प्रतिभाशाली लोगों को चुनौतियों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है ऐसी है, ऐसा तो है नहीं तो फिर देखते हैं कह रहा है बिकॉज गिवन इज लाइफ गिवेन यहाँ क्या है प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है कंसीडर कंसीडर करना बिकॉज कंसीडरिंग हिज लाइफ कंसीडर करते इस स्टोरी को इनके जीवन की लाइफ स्टोरी ये मॉडिफायर है उनकी लाइफ स्टोरी को अगर माने कंसीडर करें और उनकी सक्सेस यानी उनकी सफलता को देखें स्पेशली खास तौर से इन कॉमेडी कॉमेडी में वॉज मिस था कंट्रेरी टू का मतलब के विपरीत यहां पर एडजेक्टिव है कंट्रेरी इसका मतलब इन दोनों का मतलब यह है नाउन क्लॉज क्या हो गया नाउन नाउन क्लॉज डब्ल्यू एच आ गया इसमें और प्रिपोजिशन के बाद ये पूरा आ गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है और डब्ल्यू एच भी आ गया और प्रोजिशन के बाद आप जानते हैं व प्लस आई या तो जिरंड या तो नाउन दो चीजें आती हैं तो ये टू के बाद ये आ गया तो पूरा ग्रुप बन गया तो क्या होगा नाउन प्लॉस ठीक है बिकॉज इट टेल्स अस दैट लाइफ इज ए फन राइड जीवन मौज मस्ती है ऐसा तो कुछ है नहीं पोटिक क्यों लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से उनकी सफलता है वो क्या है वॉट वॉज एक्सपेक्टेड जो उम्मीद सी उससे क्या है? परे है उनके पास इतनी चुनौतियां थी और इस तरह का जो है इसीलिए ये पोइटिक लग रहा है ठीक है नेक्स्ट रहा है कॉमन वॉट रोल डेड चार्ली चैपलिन प्ले एज एन एक्टर कौन सा रोल प्ले किया था यानी निभाया था प्ले किया था एज माने के रूप में एन एक्टर एक्टर के रूप में उन्होंने क्या रोल प्ले किया था क्या उनकी उनके उनकी भूमिका क्या थी देखिए जरा मतलब विजरी जवाबी देने वाले चतुर व्यक्ति जैसे बिरबल था वो क्या था? जेंटलमैन कह रहा है कि एक ज्ञानी थे यहां पर ये एडजेक्टिव है और ये भी क्या है ये भी क्या है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अगर लिखना चाहिए तो हाजरी जवाबी देने वाला इसका मतलब चतुर जवाबी कार्रवाई जैसे एक्शन का रिएक्शन जैसे कुछ बोला तो बोल दिया जैसे कपिल शर्मा जैसे बोला तो उस उस सामने से उसका क्या आ जाता है आ जाता। तो वो क्या होता? वीटी। परसन, मुसाफिर थे मजाकिया यानी मुसाफिर का मतलब कि एक रमता जोगी थे ये कह रहा है या एक स्ट्रिक टीचर थे उस टीचर तो उसमें दिया नहीं है पैसेज के अंदर रिच एंड सोफिस्टिकेटेड टाइकून टाइकून का मतलब होता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोफिस्टिकेटेड एब्जेक्टिव है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पारंगत यानी रिफाइंड मजा हुआ ठीक है वो मजे हुए एक धनी और एक मजे हुए सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ठीक है सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है पर्सन इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो समझ में नहीं आता है जल्दी बहुत ज्यादा उस, उसको समझना टेढ़ी खीर होती है उसको क्या बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड ठीक है या कोई रिसर्च होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप सोच उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और उसमें जा करके उन्हें पड़ता है बहुत ज्यादा उसमें जो है आपकी माथा पच्ची हो जाती है उसमें तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये है तो कह रहा है कि क्या मजे हुए थे मजे हुए का एक और होता है लेकिन वो सीजन सीजेंड का मतलब होता है सीजन एक्टर इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कलाकार मजा हुआ इसका मतलब बहुत ज्यादा उसके अनुभव एक्सपीरियंस होल्डर ठीक है तो कौन सा होगा अ फनी होमलेस पर्सन बेघर थे लेकिन जीवन में वो क्या कहते थे कि फन ही सब कुछ है ठीक है आइए दिस वन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सटायर जो सटायर जो दिया हुआ था उसमें इंजॉय के सेंस में कि कभी ना कभी जीवन में आपको संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है कहीं ना कहीं आपको हर जगह हर एक व्यक्ति को क्या होता है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मुश्किल घड़ी उसके जीवन में आती है तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव दिस इज कंपोनेंट दिस इज कंपोनेंट दिस इज नाउन कंपोनेंट का मतलब होता है कोई मेन चीज जैसे बहुत चीजें हैं लेकिन उसमें से मेन चीज है मेन थिंग्स वो क्या चीज है तो देखते हैं इस सटायर में टू रिडिक्यूल ऑल द एंटिटीज विद एन इनसेंसिटिव इन्फेसिस इन्फेसिस क्या है नाउन है एंटिटीज का मतलब उसकी जो भी चीजें रिडिक्यूल का मतलब माखोल उड़ाना एंटिटीज का मतलब उसने का जो भी अचीवमेंट है जो भी उसने किया हुआ है जिसने भी जो कुछ किया हुआ है उसका माखोल उड़ाना विथ इनसेंसिटी असंवेदनशील तरीके से उस पर मतलब जोर देना इन्फेसिस का मतलब उस पर बल दे करके उसके बारे में उसका माखोल उड़ाना जिसने जो भी किया हुआ है उसके उसको लेकर के या टू पोर्ट्रे पोर्ट्रे का मतलब डिस्प्ले प्रदर्शित करना टू और sad sad का मतलब दुखी वाली जो हकीकत थी उसको हिलेरियस मैनर में का मतलब uh, उसको मजाकिया अंदाज में मजाक के भाव में तो सैड का अपोजिट क्या हो गया हिलेरियस इज एडजेक्टिव दिस वन इज ऑल्सो एडजेक्टिव बिकॉज मैनर इज नाउन एंड रियलिटीज इज ऑल्सो नाउन हेयर ठीक है ठीक है लुक या फिर आप बताइए पहले पढ़ लेते हैं पूरा टू डिमनिस द रिस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल कह रहा है किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट को कम करना कम करके बताना ठीक है यानी उसके जो उसके सम्मान है उसको कम करना या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके सम्मान को कम करके बताएंगे या टू तो ब्रिंग आउट ब्रिंग आउट का मतलब लाना ठीक है ब्रिंग आउट रियलिटीज किस में इन अ ग्रीम मैनर ग्रीम क्या है एडजेक्टिव ये क्या है नाउन ग्रीम का मतलब तो सैड कंपोनेंट ये नहीं है कि आप किसी अपनी हकीक कि वास्तविकता को सबके सामने दुखी होकर के और आप उसको प्रदर्शित करो बताओ दूसरों को ये तो है नहीं क्योंकि उसमें साफ कहा हुआ कि आप अपने गम को अपने अंदर क्या करके रखें आप छुपा करके रखें इसका मतलब यह है कि ये आपको नहीं होगा अगर यहाँ पे अगर सैड की जगह हैप्पी होता तो एक बार जरूर इस पर थिंक करते कि पॉसिबिलिटी हो सकती ठीक है तो पोस्टेज सैड रियलिटी वो तो यही कहते थे कि जो हकीकत है सैड रियलिटीज है उसको किसमें इन इनरियस मैनर यानी उसको भी क्या करना सुख और सुख को भी दुख को भी सुख में बदल देना यानी दुखी चीज को भी हकीकत में खुशी में बदल देना तो ये कौन सा होगा पी ठीक है लुक वन अगेन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिमस विथ इनशिएट इनशिएट का मतलब क्या है कहना चाह रहा है क्या सिनोनिम्स हो सकता है तो टू प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली किसी चीज पर जोर देकर प्रोनाउंस करना उसको उच्चारण करना सही से उसको बताना अभिव्यक्त करना तो बताने के लिए क्या होगा स्टार्ट होगा स्टार्ट तो कोई का कोई वर्क होता है कि मैं कंपनी चालू करने जा रहा हूं वो तो होगा नहीं इनशिएट का मतलब सपोर्ट किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने का मतलब नहीं का मतलब किसी चीज पे बताना बताने के लिए होता है चोर दे करके प्रोनाउंस क्लियरली समथिंग डिनाउंस का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना ठीक है डिनाउंस मींस एंड द रिमेनिंग ऑप्शन का मतलब भी क्या होता है व्यक्त करना अपने को बताना डिस्प्ले प्रदर्शित करना ठीक है तो विच वन विल द राइट आंसर सी कह रहा है फिर है इसका कोई लीफ का मतलब किसी के बुक में से एक पत्ता निकाल लेने का मतलब ये नहीं कि आप जो है ये को आपको वे में ही समझना होगा ठीक है तो क्या कह रहा है ये देखिए इसका मतलब क्या होता है मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले जब उस समय पढ़ रहे थे तो क्या कहता टू फॉलो टू इमिटेट किसी का अनुसरण करना किसी की कॉपी करना इन द सेम वे टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी सोसाइटी में योगदान देना टू कंट्रीब्यूट टू society, ठीक है यहां पे ये यह क्या है आई भी है टू बी हैप्पी एज मच एज पॉसिबल जितना संभव हो उतना जितना उतना जितना ठीक है ये एडवर्ब है या टू टेक एडवांटेज ऑफ का फायदा उठाना टू टेक एडवांटेज या टू फॉलो someone's एग्जाम्पल किसी के जीवन में जो कोई उदाहरण है उसको क्या करना फॉलो करना यानी उसको अपने जीवन में उतारना तो कौन सा होगा कैसा लगा आप लोगों को आई होप आपने उसको पूरा रिलिश किया होगा एंजॉय किया होगा और आपको मजा आया होगा ऐसे ही मैं जो है आपके सामने पैसेज लेकर आता रहूंगा और यह अभी एक शुरुआत है एक आसान सा पैसेज था जिसको आपको समझाने के बेसिस पर था कमिंग डेज जो कमिंग डेज आने वाले जो दिन हैं उसमें मैं और भी थोड़ा पैसे स्टफ लेकर यानी क्लोज टेस्ट वगैरह और पी क्यू आर एस की भी टेक्निक लेकर आता रहूँगा आपके सामने आज के लिए बस इतना ही थैंक्स टू